में उनकी जो प्रक्रिया रहती है कि जो अखबारी और किताबी बातें कि यहाँ पर ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लोग इतने सालों से देख रहे हैं महाकौशल केंद्र जबलपुर, आप ये मतलब देखने में भी आता है कि जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है वो कहाँ खतनी है, वो चाहे कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की हो, बिल्कुल साफ दिखती है। इतने सालों में जबलपुर का जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं हुआ है। अब विकास के नाम पे लोग ना देंगे कि वो हवाई जहाज चल रही है, वो वहाँ पे फ्लाईओवर बन रहा, फ्लाईओवर बनने के मामले में मैं कई तकनीकी विशेषज्ञों से बात कर चुका हूँ, उनका बिल्कुल सीधा ये कहना है कि दमोह नाका से मदन महल फ्लाईओवर बन रहा है, एक तो उसकी गति बहुत धीमी है, वो लोगों को इतना परेशान कर रही है, उसका जो निर्माण एजेंसी उससे किसी का कोई बताते हैं बड़ा पावरफुल कोई व्यक्ति है, उससे किसी का नियंत्रण नहीं है। दूसरा जो दमोह नाका से मदन महल तक जाने के 5 रास्ते हैं, उन्हीं रास्तों को 100 करोड़ रुपए में ठीक करके फ्लाईओवर की आवश्यकता ही खत्म कर दी जाती। मतलब डेवलपमेंट के जितने भी काम जबलपुर में हुए हैं उनमें जो तकनीकी ज्ञान है ऐसा लगता है कि उसका कहीं उपयोग ही नहीं किया गया। और जो राजनीतिक मामले में जो है कि जबलपुर को बड़ी उपलब्धि मिली है तो ये बिल्कुल सही बात है। सुमित्रा बाल्मीकि जो है वो नगर निगम की अध्यक्ष रही, इसके पहले 3 बार की पार्षद रही, और उनको बिल्कुल पार्टी ने जो सस्पेंस बरकरार रखा था कि वो उनको दूसरी सीट पे कौन आएगा, तो बिल्कुल वो सस्पेंस ही रहा, और सस्पेंस खोला तो ऐसा खोला कि इसके पहले उनको जब नगर निगम अध्यक्ष बनाया गया तब भी वो सामान्य सीट थी, उनको सेलेक्ट होने के बाद भाजपा ने बनाया था। भाजपा ने ये काम बहुत अच्छा किया कि उनने जो लोगों को महत्व दिया है, लेकिन ये महत्व उससे जोड़ के आता है जो चेतन भट्ट जी बोल रहे थे कि वो डेवलपमेंट के जो हालात हैं वो देखने कहाँ मिलते हैं। ठीक बात, वो तो लेकिन पंकज जी यही बात जो है एक तरह से चैतन्य जी ने भी कही और आपने भी बात की, लेकिन मैं इसका एक पूरा सीधा और सटीक सवाल, क्या जबलपुर राजनीति की भेंट चढ़ गया है, इसी कारण विकास की दरकार बाकी है अभी? हमारे यहाँ पर जो बार बार सवाल उठते हैं अखबारों में भी लोग बातें उठाते हैं कि नेतृत्व क्षमता नहीं है, मतलब इसको क्या कहा जाए। किसी की बुराई करना तो उचित नहीं है कि ये अच्छा आदमी नहीं है, खराब आदमी है, ये बहुत अच्छा आदमी, जो दिखना चाहिए मैदान में दिखना चाहिए। बस मैदान में दिखने का मतलब है जबलपुर का जो विकास है, चाहे वो एजुकेशन हब बनाने के मामले में हो, चाहे ट्रांसपोर्ट के मामले में हो। जबलपुर में पश्चिम मध्य रेल का मुख्यालय है, आप देखिए कि 3 जो जबलपुर भोपाल और कोटा 3 मंडल उसके अंतर्गत आते हैं। तो रेलवे के बारे में भी जो हमारे जबलपुर की जो ब्रॉडगेज योजना है आज तक पूरी नहीं हो पाई है, मतलब उसको जैसा कितने साल पहले हो जाना चाहिए था। तो विकास के जितने रास्ते हैं वो दिखते तो हैं, लेकिन उनसे चलने वाले आदमी नहीं देखते, उनसे चलने वाले नेता नहीं देखते, उनसे चलने वाले कोई प्रभावशाली व्यक्ति नहीं देखते। जबलपुर के लोगों का ये दर्द है कि हमारे यहाँ निस्वर्थ क्षमता नहीं है, लोग अपने जो इंदौर में जैसे लोग मिलकर काम करा लेते हमारे जबलपुर में नहीं करा पाते। ठीक है, ये बातें जो देखने मिलती हैं, और हम तो उम्मीद करते हैं कि भाई 3-3 सांसद हो गए, तीनों मिलकर जबलपुर के अच्छा काम करें, बिल्कुल राजनीतिक उससे हटकर जो जबलपुर की विकास योजनाएं है या जबलपुर नए काम करने की जो शुरुआत है उसको अच्छे से होना चाहिए, और हमको अपन उम्मीद ही कर सकते हैं। ठीक बात, चलिए आप दोनों ही हमारे साथ जुड़े, आप दोनों का ही धन्यवाद। तो हमने बात करी जबलपुर का वीआईपी बनने का सफर, जबलपुर अब वीआईपी शहर हो गया है, जबलपुर से 3 सांसद, लेकिन जिस तरह हमारे दोनों साथी पत्रकारों ने बताया कि इन दिग्गजों के बावजूद भी अगर विकास की दरकार रहती, जिस तरह की दूसरे शहरों से तुलना उन्होंने करी है, जिस तरह से बात बताई है, वीआईपी तो जरूर हो गया शहर, लेकिन विकास की बात कितनी होगी, विकास पर कितना आगे बढ़ेंगे, ये जो है देखने वाली बात होगी।